हॉबी जाम मेंस न्यूज़ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। प्रकाश राज ने किया ट्वीट, मोदी की जीत मेरे मुंह पर करारा तमाचा है। लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना से साफ है कि एक बार फिर देश में बीजेपी की सत्ता होगी। बेंगलुरु सेंट्रल से निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश राज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक्टिंग से राजनीति में कदम रखने वाले प्रकाश राज ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे गाल पर जोरदार तमाचा और भी ट्रोल, बेइज्जती और गालियां आई हैं, फिर भी मैं अपने स्टैंड पर खड़ा रहूंगा। रेस्क्यूलर भारत के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। एक कठिन सफर अब शुरू हो चुका है। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया। जय हिंद। प्रकाश राज आगे लिखते हैं, सेक्युलर इंडिया के लिए यह लड़ाई जारी रहेगी। एक कठिन सफर की शुरुआत हो चुकी है। प्रकाश राज ने उनका साथ देने वाले को धन्यवाद भी किया। प्रकाश राज ने बेंगलुरु सेंट्रल से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। नरेंद्र मोदी ने कहा, बदल नियत से नहीं करूंगा कोई काम। अकेले बीजेपी अपने दम पर बहुमत से भी ज्यादा मतों से आगे चलकर केंद्र में सरकार बनाने के लिए तैयार है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने देश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे पीएम मोदी का लोगों ने फूलों की बारिश करके स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनावों के बीच क्या हुआ, मेरे लिए वो बात बीत चुकी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है, घोर विरोधियों को भी देश हित में उन्हें साथ लेकर चलना है। इस प्रचंड बहुमत के बाद भी नम्रता के साथ लोकतंत्र की मर्यादाओं के बीच चलना है। संविधान हमारा सुप्रीम है, उसी के अनुसार हमें चलना है। राहुल ने की इस्तीफे की पेशकश, कांग्रेस ने किया खंडन। लोकसभा चुनाव 2019 में मिली हार के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के सामने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के इस्तीफे की बात पर सोनिया गांधी और वरिष्ठ के नेताओं ने उन्हें समझाया कि ऐसी बात पार्टी फॉर्मर में रखनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने सारी बातों से खंडन किया है। हालांकि राहुल के इस्तीफे की खबरों को पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि यह खबरें बेबुनियाद है और राहुल गांधी ने ऐसी कोई पेशकश नहीं की है। सुरजेवाला ने कहा कि इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया था जिसका जवाब राहुल गांधी ने दे दिया। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।